एक तरफ सरकार स्वच्छता अभियान पर जोर देती है ताकि गंदगी से होने वाली बीमारियों और अन्य परेशानियों से मुक्ति मिल सके, तो दूसरी तरफ नगर निगम के द्वारा आरा पटना मुख्य मार्ग सड़क के किनारे कचरा फेंके जाने से प्रदूषण बढ़ रहा है। सफाई के नाम पर लाखों रुपए खर्च किए जाने के बावजूद आरा नगर निगम में गंदगी का अंबार दिख रहा है। आरा शहरी क्षेत्र के बाहरी इलाकों में चौकीपुर पासवान चौक में नगर निगम की तरफ से सड़क किनारे कूड़ा फेंका जा रहा है, जिससे आरा बक्सर मुख्य मार्ग के रास्ते से गुजर रहे लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। वहीं यात्री शेड में मक्खियों की इतनी तादाद बढ़ गई है कि यात्रियों का उसमें रहना दुश्वार हो गया है। परेशानी तो बहुत है, मक्खी से हम लोग दिन भर परेशान है, काम कर नहीं पा रहे हैं, कुछ खाने जा रहे हैं तो वहाँ मक्खी गिर जा रहा है। इतना महक रहा है, महक से तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। नगर निगम से अगर नहीं ऐसी हो रहा है तो नगर निगम आके यहाँ दो घंटा रह के देख ले क्या दिक्कत है। कब से परेशानी है? परेशानी करीब 10 दिन से है। ज़्यादा परेशानी बढ़ गया है। कुत्ता उत्ता भी मर जा रहा है, वो भी ला के यहीं फेंक दे रहे हैं, बोरा में कस के गाय का बच्चा भैंस का बच्चा सब यहीं फेंक दे रहे हैं। इतना गंदगी हवा बहता है तो बहुत गंदगी महकता है, तो परेशानी बढ़ गई है, बहुत परेशानी। अभी आप चलिए उस पर, हम दिखलाते हैं दुकान का क्या हाल है। यात्री सेट बना है, लगता है कि माछियों का यात्री सेट है। इतना कोई यात्री सेट बना है, कोई उसमें जाकर रहेगा, गाड़ी का जो है इंतजार करेगा, तो उसमें माछी इतना है कि कोई नहीं जा रहा है। चलिए आपको हम उस पर दिखा।